अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी जापानी फल का मिल्क शेक, यानी अमलोक का मिल्क शेक। और इसके साथ ही मैं आपको इसके ख़ास सीक्रेट्स भी बताऊंगी, जिनसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। ये मैंने चार जापानी फल लिए हैं, अमलोक लिए हैं, जिनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। इसे हम जग में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। इसका पहला सीक्रेट है ये क्रीम, और दूसरा काला नमक। ये मैंने पैकेट की क्रीम ली है, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, ये मैंने एक चुटकी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क शेक जब भी बनाएं, मिल्क जो है हमेशा पैकेट वाला लें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा घना रखना है, आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है मिल्क शेक, तो फिर आप आधा किलो दूध लें, नहीं तो 3 पाव ले लें। मैंने इसे तकरीबन 2 मिनट चला लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बर्फ़। बर्फ़ आप थोड़ी लें मौसम के हिसाब से। अब हम इसे फिर चला लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। ये लीजिए जनाब, अमलोक का मिल्क शेक तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से बन गया, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप ये इस तरीके से घर में बनाएं, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें, उससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।